हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है मल्टीमीटर पे, तो ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। वो सभी मल्टीमीटर से ये बहुत ही अलग है और ये बाबा टूल्स का ब्रांड के नाम से है। और ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले जो है बहुत ही अलग देखने को लगेगा। तो चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं इसका डिस्प्ले और इसको अनबॉक्सिंग करके। तो ये हमारा वन नहीं हो रहा फिलहाल अभी, तो इसको खोलेंगे। और इसके अंदर जो है एक 9 वोल्ट का बैटरी लगा रहता है, तो 9 वोल्ट का बैटरी इजीली इसको ड्राइव कर लेता है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये बाबा टूल्स की तरफ से आया हुआ है, एक साल का गारंटी इसमें लिखा हुआ है। तो मैं तो ये नहीं मानता कि एक साल का गारंटी इसमें होगा ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ है। तो बाबा टूल्स की तरफ से जो भी है वो दिया गया है, तो कस्टमर केयर का भी नंबर इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मल्टीमीटर बहुत ही खास है, आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और ये मल्टीमीटर में आप लगभग रिपेयरिंग लेवल जो करते हैं, अगर हाई लेवल का रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो इस मल्टीमीटर से ही आप कर पाएंगे। यहाँ पे 2 मल्टीमीटर है, ये नॉर्मली यूज करने के लिए है। वो भी एक मान के चलिए एक खिलौना हो गया हम लोग के लिए। तो अगर खिलौना से खेलना पसंद है तब ये पीला वाले मल्टीमीटर को लेके आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन थोड़े से हाई लेवल का, अच्छी क्वालिटी और अच्छी जानकारी के साथ आपको रिपेयरिंग करना है, तो आपको बाबा टूल्स का मल्टीमीटर या ऐसा कुछ मल्टीमीटर आपको परचेज करना पड़ेगा, तभी जाके आप रिपेयरिंग कर पाएंगे जिसमें ये सारे फीचर होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा क्या क्या फीचर और क्या क्या फीचर होना चाहिए। तो चलिए, हमारा जो मल्टीमीटर ऑन हो गया। ये तो डिस्प्ले का क्वालिटी है, डिस्प्ले कोई भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले थोड़ा सा अलग, यूनिक और अच्छा लगता है देखने में। लाइट इफेक्ट भी, इसमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्प्ले में लाइट ऑलरेडी लाइट ही जलती है इसका, जो हर एक डिजिट में लाइट ही जलती है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं एक कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मल्टीमीटर में दिया गया है बीप साउंड। तो चलिए मैं यहाँ पे इसमें से, ये आपका फीचर जो है लगभग मल्टीमीटर में रहता ही रहता है, ये फीचर आपको सभी मल्टीमीटर में देखने को मिलेगा। इसमें 2 फीचर दिया है, एक कंटिन्यूटी टेस्ट, एक रेजिस्टेंस टेस्ट, जो कि ओम का निशान से यहाँ पे देखने को मिलेगा सेम उसी के बगल में। अब चलिए मैं यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर 6 वोल्ट, 60 वोल्ट और 1000 वोल्ट तक यहाँ पे डीसी करंट को चेक कर पाएंगे, अर्थात बैटरी की वोल्टेज को। तो अभी हमने इस बैटरी के वोल्टेज को चेक किया हूँ, जो कि 3.3 वोल्ट कुछ आ रही थी। अब चलिए मैं यहाँ पे एसी करंट में सेलेक्ट करता हूँ, जो कि एसी करंट में सेलेक्ट कर लिया हूँ, और यहाँ पे 750 वोल्ट तक यहाँ पे एसी करंट को चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी में सेट किया हूँ, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा 50 हर्ट्ज के आसपास बता रहा, आप फ्रीक्वेंसी इसमें चेक कर पाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी इस मल्टीमीटर से इजीली चेक कर पाएंगे। फ्रीक्वेंसी के बगल में आपका जो है 750 वोल्ट है, वो आप यहाँ पे 750 वोल्ट तक का यहाँ पे एसी करंट को चेक कर पाएंगे। तो मैं उसी में सेलेक्ट करके यहाँ पे वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ। आप चलिए फ्रेंड, लो वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं एसी करंट का। तो मैं लो वोल्टेज अभी नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि लो वोल्टेज भी कभी कभी काल रिपेयरिंग में ज़रूरत पड़ जाती है। अगर लो वोल्टेज नहीं आया तो काम हमारा जो सक्सेस नहीं होता है। तो फ्रेंड, हमारा जो लो वोल्टेज किस में ज़रूरत पड़ती है, SMPS पावर सप्लाई या ट्रांसफार्मर में चेक करने के लिए, जिसमें 12 वोल्ट 9 वोल्ट के लिए, तो वो सब जगह में चेक करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे PF और कैपेसिटर का इसमें से चेक करना है। तो मैं यहाँ पे NF में सेलेक्ट किया हूँ, जो कि एक छोटा सा PF होती है, पीला कलर का, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो उसका एक्यूरेट जो वैल्यू होता है वो बताएगा इसमें। आप चलिए फ्रेंड, यहाँ पे एक कैपेसिटर का वैल्यू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू को 750 या 800 का वैल्यू हमारा जो है बता रहा है फ्रेंड।
तो यहाँ पे 1000 का वैल्यू होता है, लेकिन 1000 का वैल्यू का यहाँ आसपास मुझे नहीं मिल रही है। तो 750 के आसपास मिल रहा है, जो कि कैपेसिटर का ए मैं चेक करके दिखाऊं। और यहाँ पे यूए और एमए पीएफ चेक होगा फ्रेंड। तो हमने एक एम्पियर हो गया और हमारा यहाँ पे जो है ये तो अभी मैंने सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड पीएफ तो हमने चेक कर लिया, कैपेसिटर चेक कर लिया, और पीएफ के लिए यूए और एमए दिया हुआ मल्टीमीटर में, उससे बिजली पीएफ को चेक कर पाएंगे फ्रेंड। तो पीएफ का जो वैल्यू है एक्यूरेट जो उसमें लिखा रहता है वो वैल्यू इसमें भी आएगा, तो उसका बारे में कुछ जानकारी आपको होना चाहिए, तभी जाके बिजली इस मल्टीमीटर से चेक करके उसका एक्यूरेट वैल्यू को पता कर पाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है, मैंने रेजिस्टेंस में सेलेक्ट किया हूँ अभी ओम, तो देखिए यहाँ पे 7180 का आसपास के ओम हमारा जो है बता रहा है। और मैं पीएफ और इस सारे चीज़ चेक करने के लिए मैं एक अच्छी सी डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। फिलहाल इस मल्टीमीटर में जो जो फीचर है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको दिखाया हूँ, तो मैं एक डिटेल वीडियो इसके लिए मैं बना दूंगा। इसमें आप इजीली, मेरे को भी पता है कि आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं फीचर की बात कर रहा हूँ इस मल्टीमीटर का, जिसको आप इजीली ये सारा चीज़ को चेक कर पाएंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस को जो हमने चेक कर लिया, अब आती है एसी करंट का जो है बिना वायरलेस में कैसे चेक करने का। तो यहाँ पे वायरलेस सिस्टम दिया हुआ और यहाँ पे एक टॉर्च भी दिया हुआ। टॉर्च आप नाइट मोड में काम करते हैं तो टॉर्च का आपको काम आ सकता है, तो ये टॉर्च का भी इजीली आप अपना काम ले सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं बिना वायर का कनेक्शन और चेक करते हैं कि हमारा एसी करंट कहाँ तक आ रहा। और देखिए फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे बोर्ड में लाइन है, तो यहाँ पे एसी करंट का जो ब्लिंकिंग पूरी तरीके से कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय, और फिर से नया वीडियो और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं।